हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का सफ़र शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो सफ़र मैं आपको दिखाऊंगी, वो सफ़र बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन फॉल सीजन, और ये फॉल सीजन मैं दो भागों में आपके सामने लाऊंगी। पहला होगा पार्ट वन और दूसरा होगा पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। Hello friends, this is Sumitra. Welcome to my channel Sumi's Dreams. It's morning around 5:20. We are heading to Boston. We are a little late, so let's go. So yeah, now we are in Boston Airport. Weather thoda thand hai. To abhi chaliye shuru karte hain yahan se hamara journey. Saath rahiye, chalte hain. तो बोस्टन से सीधा ड्राइव करके हम जाएंगे न्यू हैम्पशायर और उसके बाद मेन। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि जो हमारा मेन मोटो है वो है फॉल सीजन देखना, और न्यू हैम्पशायर एंड मेन आर द बेस्ट प्लेसेस टू सी द फॉल सीजन। तो दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड इन बोस्टन। नाउ वी आर हेडिंग टू माउंट वाशिंगटन न्यू हैम्पशायर। इट विल बी टेकिंग 3 hours अप्रोक्सीमेटली। तो चलिए वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है, जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं। Now friends, we have reached to catch the Cog Railway. तो चलिए देखते हैं कैसा था एक्सपीरियंस। Cog Railway का टिकट का जो प्राइस है वो है पर एडल्ट $80 एंड पर किड्स $50। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक ये ट्रेन अवेलेबल रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये कॉग रेलवे है जो हमें ऊपर लेके जाएगा। तो चलिए, तो अब हम ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते कि इसका इंटीरियर डेकोरेशन कितना सुंदर है। तो देखते देखते हम पहुंच चुके हैं माउंट वाशिंगटन समिट में। तो दोस्तों, यहां से सीधा दिखता है कनाडा, पर वी वेर सो अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा बरसात की वजह से हमें कुछ भी अच्छी तरह से नहीं दिखा। दोस्तों, मैं एक बात आपको यहां पे बताना चाहूंगी, यहां पे 80% टाइम ही रेन होता रहता है, तो इफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट यू विल बी एबल टू सी दैट। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो सफर था, ये जो रेलवे था, ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी हम कॉग रेलवे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं मेन की तरफ। फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप। जहाँ पे हम ठहरे हैं उस लॉज का नाम है विल्सन लेकिन। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये 2 beds हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ सुथरा है हमारा कमरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जो व्यू है तो वो कैसा लगता है। चलिए आ जाइए, ये देखिए
बाहर कितना सुंदर लग रहा है देखिए। वाओ सो ऑसम। तो फ्रेंड्स इट्स कॉल्ड फॉल सीजन। मैं आपको थोड़ा बहुत बोल देती हूँ इस फॉल सीजन के बारे में। जब समर खत्म होता है और जब विंटर स्टार्ट होता है उसके बीच में जो टाइम रहता है उस टाइम में ये जो ट्रीज आपको दिख रहा है ये ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करता रहता है। सो इसके वजह से ये जो व्यू है ये बहुत सुंदर दिखता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं मेन में ये फॉल सीजन देखने के लिए। इट्स वेरी फेमस फॉल सीजन ऑफ यूएस। तो इस सितंबर से लेकर अक्टूबर के एंड तक ये फॉल सीजन चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा शायद। तो एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए so where we are standing now it's a corridor of the hotel so dekhi kitna sundar hai main aapko dikhati hu thoda so dosto dekhi yahan se view kitna acha lag raha hai dekhi yahan se kitna sundar view lag raha hai ye place thoda sa quiet hai par it's looking like heaven। तो दोस्तों आज हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे। हम जहाँ जा रहे हैं आज उस जगह का नाम है अकादिया नेशनल पार्क। तो चलिए तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, हम रास्ते पे हैं। सो इट्स अ ऑसम व्यू, मैं आपको दिखाऊंगी व्यू। तो आज मैं जहाँ जहाँ भी जाऊंगी एग्जैक्टली टू द पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगी। कल रात को मैं जहाँ डिनर पे गई थी वो जगह मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि इट वॉज हेविली रेनिंग। तो मेरा कैमरा मतलब पूरा भीग गया था। सो आई वॉज नॉट एबल टू डू द शूट। सो बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। इवन मैं जहाँ पे लंच के लिए जाऊँगी, मैं जहाँ पे डिनर के लिए जाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और एक बात दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ का जो श्रिम्प है, जो लॉबस्टर है, इट्स वेरी फेमस। अगर मुझे वो मिलता है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ उन सब का लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो इजीली आपको मिल जाएगा वो सब जगह। तो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों अभी हम एक जगह पे रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा कॉफ़ी हमने उठा लिया है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा रिमोट है, पता नहीं कब लंच मिले या फिर मिले या ना मिले पता नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा शॉप मैं आपको दिखा दी थी, उसका नाम है ओसोला परफेक्ट स्टोर। बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए चलते। देखिए ये जो है ये अटलांटिक ओशन है। मायामी में भी अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन है बट दोनों का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और ये अटलांटिक ओशन जो है देखिए आप देख सकते हैं उधर माउंटेन है, यहाँ पे भी माउंटेन है और ये जो ओशन है एकदम बीच में है। तो इट्स लुक ऑसम, इट्स लुक्स लाइक हेवन। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ यूएस में बहुत ऐसे कम जगह है जहाँ पे ऐसे दिखता है कि समुंदर और पहाड़ एक साथ दिखता है, ये चांस बहुत कम मिलता है। तो अनफॉर्चुनेट आई बिलीव। फ्रेंड्स आई टोटली फॉरगॉट टू टेल यू दैट अकादिया नेशनल पार्क इट्स नॉट अ फ्री एरिया, यू हैव टू पे $30 पर कार एज अ एंट्री फ्री। हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइज विच आई नीड टू शेयर विथ यू।
If you are coming during COVID, you have to register your car to book the slot. So, कैडिलक माउंटेन में अब हम पहुंच गए हैं, तो चलिए थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। इस कलर को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे आई बिलीव। तो आइए दिखाती हूँ, मुझे कलर नजदीक से कितना सुंदर है। इट्स येलो एंड इट्स रेड, सो या इट्स ग्रीन राइट देयर, और पूरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब लाल हरा पीला सब कुछ मिला के कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ये बस रोड का व्यू है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सा दिखे थोड़ा यहाँ पर, ये रोड कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए Now we have reached at Cadillac Mountain in Acadia National Park. This is the highest point along the North Atlantic seaboard and the first place to view sunrise in the United States from October 7 through March 6. This mountain was created by Earth's tectonic and volcanic forces millions of years ago. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। समुंदर और पहाड़ सब कुछ मिला के ऐसा लग रहा था कि इट्स लुकिंग लाइक अ पोर्ट्रेट पिक्चर। तो दोस्तों, सैंड बीच और कैडिलक माउंटेन के बाद हम चले आए हैं बास हार्बर लाइट स्टेशन देखने के लिए। दिस लाइट स्टेशन इज अनदर अट्रैक्शन ऑफ अकाडिया नेशनल पार्क। द लाइट हाउस वॉज बिल्ड ऑफ ब्रिक इन 1858 ऑन अ स्टोन फाउंडेशन, स्टैंड्स 56 फीट अबव मीन हाई वाटर। The parking is totally free and is open daily from 9 a.m. to sunset. You can see how beautiful it is. And finally, here is the lighthouse. तो 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं पोर्टलैंड मेन में। ये पोर्टलैंड मेन का डाउनटाउन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ डाउनटाउन। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है विया विचिया। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर का जो डेकोरेशन है वो बहुत खूबसूरत है। ये रहा मेन्यू।
बट फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, हमें उतना ज़्यादा ऑप्शन तो कुछ नहीं मिला था, सो वी ऑर्डर्ड मैंगो मॉकटेल एज अ ड्रिंक एंड उसके बाद हमने एज अ स्टार्टर ऑर्डर दिया था पोलिंटा फ्राइज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर मेन कोर्स हमने ऑर्डर दिया था बुरेटा, इट्स अ पास्ता डिश, एंड उसके साथ हमने ऑर्डर दिया था पैपरेडल, इट्स अ नूडल विथ मशरूम डिश, एंड अ विग्नेला, इट्स अ पिज़्ज़ा, जो खाना मुझे बहुत एवरेज लगा. उसके बाद हम स्ट्रेट आ गए थे हमारे होटल में, वी स्टेड इन हैम्पटन इन. सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर होटल, वी आर स्टेइंग इन हैम्पटन इन. तो रात हम आज यहीं पे ही बिताएंगे, तो अंदर चल के मैं आपको अपना कमरा दिखाऊंगी. सो लेट्स गो. फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर रूम, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर है, क्लीन है. तो दिखाती हूँ मैं आपको. यह देखिए, ये क्लोजेट है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं. और इधर आइए, इधर बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत ही साफ सुथरा है. ये देखिए बाथरूम है, यहाँ पे आपको दिया जाएगा शैम्पू, कंडीशनर, जो भी है आपको दिया जाएगा यहाँ पे. ये देखिए बाथरूम, और ये बेड किंग साइज का एक बेड दिया गया है हमें, और ये टीवी है, और ये एक टेबल है, छोटा सा टेबल है, अगर आप चाहे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे. और ये एक काउच है, और चेयर है, और छोटा मोटा सा रूम है, बट बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा. It's near about 11 o'clock and now it's bedtime. तो आज के लिए बस इतना ही. कल सुबह मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी और आप लोगों को लेके जाऊंगी एक नई जगह पे. तो तब तक के लिए good night, take care.